हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप फॉर वरुष्का। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू शेप अवर आईब्रोज एंड अपर लिप्स। तो मैं पहली बार अपने आईब्रो को घर पे शेप करने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं हमारी आईब्रो किस तरीके की लगती है। तो सबसे पहले मैंने अपने आईब्रो पे पाउडर लगा लिया। इसके बाद मैं अपने आईब्रो को अच्छे से एक्सपोली के साथ शेप देने के बाद मैंने एक ट्वीज़र लिया, जिसकी हेल्प से मैंने जितने भी मेरे आईब्रो के नीचे के एक्स्ट्रा ग्रोथ है मैं उसको रिमूव कर रही हूँ। जैसे कि आप तो देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसको प्लग इन कर रही हूँ। आप लोगों को भी सेम इसी तरीके से अपने आईब्रो के सभी हेयर्स को प्लग करते जाना है, जो भी एक्स्ट्रा है। आपको अपनी शेप को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो अच्छे से इसको शेप आउट करने के बाद जो मेरी अपर की आईब्रो है इसको मैं थ्रेड के साथ शेप करूँगी, बिकॉज जब हम ऊपर की आईब्रोज़ को ट्वीज़र की हेल्प से रिमूव करते हैं तो हमारी जो शेप है वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनती। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं फ्रंट को किस तरीके से क्लीन कर रही हूँ। इस तरीके से मैं अपनी दोनों आईब्रो को डन कर ली हूँ। अब मैंने ले लिया एक थ्रेड, तो मैं इसको थ्रेड को लेने के बाद इसमें एक नोट बनाऊँगी। इसके बाद मैं इसको राउंड राउंड कर रही हूँ 4 to 5 times। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से चलाना है। जो भी मेरे अपर लिप्स की हेयर है तो मैं इसको सेम इसी तरीके से रिमूव करूँगी। आप लोग देख सकते हैं मैं थ्रेड किस तरीके से चला रही हूँ, आपको भी सेम इसी तरीके से चलाना होगा। तो आफ्टर 4 to 5 times प्रैक्टिस करने के बाद आपका थ्रेड ईजिली चलने लग जाएगा।